हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट ओडीआई के बारे में। दोस्तों, जो T20 था वो ख़त्म हो गया है, जो कि इंडिया जीत गई है। पहला जो मैच था बारिश की वजह से कैंसिल कर दिया गया, दूसरा मैच इंडिया जीत गई थी, तीसरा जो मैच था वो पहला पारी खेला गया, उसके बाद बारिश होने लगी, उसको कैंसिल कर दिया गया, जिसकी वजह से वो मैच टाई हो गया। तो इस हिसाब से इंडिया फर्स्ट सीरीज जीत गई T20 की। और 25 तारीख से ODI होने वाला है, जिसमें कैप्टन रहेंगे शिखर धवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे डिटेल में क्या क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, क्या पिच रिपोर्ट होगा, कितने बजे आएगा, कौन से चैनल पे देख सकते हो, कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, फैंटेसी टीम के लिए कौन से बेस्ट ऑप्शन होंगे, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, बात करें इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के फर्स्ट ODI के बारे में, तो ये 25 नवंबर को खेला जाएगा और इंडिया के टाइम के अनुसार ये सुबह 7 बजे आएगा। उसके साथ साथ ये ईडन पार्क में खेला जा रहा है, जो कि ऑकलैंड में है। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो ये जो पिच रिपोर्ट है, यहाँ पे मोस्ट टाइम पे 270 का ही पिच है, 270 वाला पिच है। और आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी मैच हुए हैं ईडन पार्क में, यहाँ पे 260-270 तक ही रन बनते हैं, और 300 के करीब 5 टाइम पे ही बने हैं। मतलब बहुत कम केसेस में 300 तक रन बनते हैं, और बहुत ज़्यादा केसेस में 270 तक रन बनते हैं। तो 260-270-280 तक रन ही बनेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो पेसर, जो फास्ट बॉलर है, उनको ज़्यादा मदद मिलती है। 70% मदद उनको मिलती है, और 30% जो हैं वो स्पिनर को मदद मिलती है। तो जो फास्ट बॉलर हैं उनको अच्छी मदद यहाँ पे मिलेगी। यहाँ की बात करें, जो पहले बैटिंग करता है उसके जो जीतने के चांस है उतने ज़्यादा नहीं है। जो सेकंड बैटिंग करता है उस चेंज कर ले जाता है, तो मोस्टली चेंज करने वाली टीम यहाँ पर जीतती है। 70% चांस है कि जो चेंज करती है वो टीम जीतती है। तो देखते हैं कल जो मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में कि क्या चेज करने वाले पहले टीम जीतेगी या जो पहले फर्स्ट बैटिंग करती है। लेकिन यहाँ पे कंफर्म है कि जो पेसर है उनको मदद मिलता है। दोस्तों, अब समझ लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, क्योंकि जो इंडिया की टीम थी 20 में अलग थी और ODI में अलग थी। तो दोस्तों, ये है दोनों टीमों की प्लेइंग 11। अगर बात करें इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पे शिखर धवन है जो कि कैप्टन बनाए गए हैं, और जो 20 के थे उसमें थे अपने हार्दिक पांड्या, तो शिखर धवन है। उसके साथ शुभम गिल ओपनिंग करेंगे, उसके बाद आपको सूर्य कुमार यादव वन डाउन पे खेलते हुए दिखेंगे। पिछली बार विराट कोहली रहते थे तब उनको उसके नीचे भेजा जाता था, लेकिन मुझे लगता है अभी सूर्य कुमार यादव आएंगे। उसके बाद आपको श्रेयस अय्यर देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको संजू सैमसन या ऋषभ पंत में से कोई एक खेलते हुए देखने को मिलेगा, नहीं तो यहाँ से ये दोनों खेलते हुए देखने को मिलेंगे या दीपक हुड्डा नहीं रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है दीपक हुड्डा को खिलाया जाएगा, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन का बढ़ जाता है। लेकिन देखते हैं, ये दोनों में से शायद दोनों खेल सकते हैं, तो यहाँ पर दीपक हुड्डा नहीं रहेंगे, नहीं तो अगर दोनों में से कोई एक खेलेगा तो देख सकते हैं किसका चांस ज़्यादा है। यहाँ पर ऋषभ पंत जो है वाइस कैप्टन है, तो उनका चांस मुझे लग रहा है ज़्यादा। उसके बाद आपको वांसीगणा सुंदर या शहबाज अहमद, दोनों में से कोई एक खेलेगा, और फिर शार्दुल ठाकुर हैं, दीपक चहार हैं, अर्शदीप हैं और युजवेंद्र चहल है। तो यहाँ पे पेसर को मदद मिलती है, तो इंडिया 4 पेसर के साथ जाएगी, जो कि 1, 2, 3 दीपक हुड्डा हो गए 4। तो मुझे लगता है स्पिन पे कम ध्यान देगी, और वैसे भी अपने पास स्पिन पे पास भी बहुत ऑप्शन है। तो ये प्लेइंग 11 हो सकती है। यहाँ पर एक प्लेयर है उमरान मलिक, हो सकता है वहाँ यहाँ पे किसी की जगह पे उसको भी खिलाया जा सकता है। देखते हैं उमरान मलिक को चांस मिलता है कि नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की टीम से, तो यहाँ पे इनकी ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे। फिन एलन जो हैं, बहुत ही घटिया फॉर्म था इनका, उसके बाद उनको शायद ना खिला के टॉम लाथम को खिलाया जाए, ये बदलाव हो सकता है। फिर डी कन्वे रहेंगे, केन विलियमसन, ग्रेन फिलिप्स, डैरी मिचल, जेमी नीसम या ब्रेसवेल की जगह कोई एक खेलेगा। उसके बाद सैटनर, टीम साउथी, लॉकी फर्गुसन, एडम मिलने और मैट हेनरी। यहाँ पे मैट हेनरी को ऐड किया गया है और टॉम लाथम को, बाकी सब सेम हैं। तो ये मोस्टली यही उनकी रहेगी न्यूजीलैंड की टीम।
तो ये दोनों टीमों में से सेम प्लेयर रहेंगे। देखते हैं कल क्या होगा, कौन सा प्लेयर डिसाइड करेगा कि कौन सा रहेगा, लेकिन मोस्टली यही टीम रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पे मैंने फैंटेसी का टीम बनाया है, आप देख सकते हैं। मैंने ऊपर रखा है विकेट कीपर सेक्शन, दोनों टीमों के विकेट कीपर रखा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बैट्समैन को रखा है, और फिर यहाँ पे ऑलराउंडर को, और यहाँ पे बॉलर को। तो दोनों टीमों के पूरे खिलाड़ी जितने हैं सबको डाल दिया है, और अब हम इसमें से चयन करेंगे कौन कौन से खिलाड़ी हमारे टीम में होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करें विकेट कीपर सेक्शन की, तो यहाँ पे टॉम लाथम, ऋषभ पंत, डी कनवे और संजू सैमसन हैं। अब यहाँ से डी कनवे तो 100% खेलने वाले हैं। यहाँ पे टॉम लाथम का कंफ्यूजन है, अगर फिन एलन को खिलाया जाएगा तो इनको नहीं खिलाया जाएगा, उसके बाद आरपी खेलेगा या संजू सैमसन खेलेगा, तो यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो फिलहाल हम अपनी सेफ टीम के लिए डी कनवे को ले रहे हैं, और डिसाइड बाद में करेंगे कि इसमें से किसको लेना है। तो अभी हमारे टीम में डी कनवे रहेगा। अब यहाँ से आपको बैट्समैन मिल जाएंगे इंडिया के, यहाँ पे न्यूजीलैंड के। तो यहाँ पे शिखर धवन है, शुभम गिल है, श्रेयस अय्यर है और स्काई है। तो फिलहाल मैं स्काई के साथ सूर्य कुमार यादव और दूसरा जो है श्रेयस अय्यर, ये दोनों को ले रहा हूँ अपनी टीम में। उसके बाद यहाँ से आप विलियमसन, तीन खिलाड़ी हो गए। यहाँ पे जी फिलिप्स, चार खिलाड़ी, चार बैट्समैन मैं यहाँ से ले रहा हूँ, जिसमें से श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव और अपना विलियमसन और जी फिलिप्स, इसको मैं अभी चार खिलाड़ी को ले रहा हूँ। देखो शिखर धवन, शुभम गिल का क्या है कि यहाँ पे मैट हेनरी, टिम साउथी, ये लोग हैं, इनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है, तो मुझे लगता है ओपनिंग नहीं चलेगी इंडिया की। और बहुत दिन हो गया शिखर धवन खेले नहीं हैं, तो इसकी वजह से मैं अभी उनको नहीं ले रहा हूँ। आप चाहें तो आप शिखर धवन को ले लें। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो शार्दुल ठाकुर हैं, दीपक हुड्डा हैं, शहबाज अहमद है, वाशिंगटन सुंदर हैं। तो यहाँ से शार्दुल ठाकुर जो है मेरे हैं फिक्स हैं, इनको रहेंगे ही रहेंगे। दीपक हुड्डा का मैं देखूंगा बाद में, अभी नहीं लूंगा। दीपक हुड्डा को भी मैं नहीं ले रहा हूँ, यहाँ से मैं सैटनर को लूंगा। ब्रिसवेल खेलेंगे तो ब्रिसवेल को लूंगा, लेकिन अगर ब्रिसवेल नहीं खेलेंगे तो मैं ये दो ऑलराउंडर में जाने वाला हूँ। तो चार यहाँ हो गए, दो छः, एक सात, सात खिलाड़ी हो गए। चार बॉलर लेना है, जिसमें से चार बॉलर में से एक तो मेरा अर्शदीप सिंह रहने वाला है, और दूसरा मेरा टीम साउथी, चौथा जो मेरा तीसरा, हाँ चौथा, तीसरा जो मेरा है मैट हेनरी रहेगा, और यहाँ से मैं दीपक चहार या लोके फर्गुनसन, ये दोनों में से किसी और को लूँगा। तो यहाँ से मेरे चार प्लेयर जो हैं, अर्शदीप सिंह है, उसके बाद यहाँ से मैं दीपक चहार या लोके फर्गुनसन, दोनों में से एक, किसी दोनों में से एक को लूँगा। यहाँ पे दीपक चहार का एक एडवांटेज है कि अगर इंडिया की बैटिंग स्टार्टिंग में क्लॉस हो जाती है तो वो रन बना के भी देगा, और इसकी बॉलिंग जो है स्विंग होती है तो ये आपको विकेट लेके भी देगा। तो अगर फिन एलन ओपनिंग करेगा तो इसको ले लें आप, क्योंकि इसकी बॉलिंग जो है स्विंग होगी, तो फिन एलन का विकेट ये ले सकता है। और मैं फिलहाल अभी ये मेरी टीम कंफर्म है, अर्शदीप सिंह, टीम साउथी, मैट हेनरी, उसके बाद लकी फर्ग्यूसन और दीपक चहार में से किसी एक को लूंगा। नहीं तो मैं स्पिनर के साथ भी जा सकता हूँ, क्योंकि स्पिनर को भी थोड़ा बहुत मदद मिलती ही मिलती है। अगर बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन आपको केन विलियमसन देखने को मिलेंगे, डी कनवे, ये दो हैं। उसके बाद इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव, और यहाँ से आप शार्दुल ठाकुर को भी बना सकते हो, क्योंकि कुछ रन भी मारेंगे, विकेट भी लेंगे। तो मेरा जो कैप्टन रहेगा केन विलियमसन रहेगा, वाइस कैप्टन जो रहेगा वो मेरा डी कनवे रहेगा। तो ये दोनों को मैं कैप्टन वाइस कैप्टन बनाऊंगा। आप सूर्य कुमार यादव को भी बना सकते हैं, शार्दुल ठाकुर भी बना सकते हैं, या कोई बॉलर को भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।